Hello dear children, I am Jitin sir and I am here to give you a special information in this particular video. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि आप जानते हैं कल के दिन में हमारे सामने जेई के नोटिफिकेशन आए हैं. सो ये जेई के नोटिफिकेशन इसके पहले भी एक सेट आए थे, कल वापस आया. तो स्टूडेंट्स है ना काफ़ी कन्फ्यूज है, सर क्या है ऐसे दो दो बार क्यों आए. एंड सम रैंडम वेबसाइट्स में मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वहाँ पर मैंशन किए हैं कि इस बार है ना विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे. तो ऐसे बहुत सारे एंड कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस रहेंगे बट नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस पास हुए हैं जो जिस वजह से स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज्ड है. स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं सर ये सब क्या है, इसमें से क्या सच है. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर चार बार जेई चलने वाला है बट एक ही अटेम्प्ट हम लोग दे सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम दो अटेम्प्ट दे सकते हैं. तो काफी कंफ्यूज्ड है. माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के पूरे कंफ्यूजन्स क्लियर करने वाला हूं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, ये पर्टिकुलर वीडियो जो मैंने बनाने के लिए जो भी डेटा मैंने एक्वायर किया है ऑफिशियल वेबसाइट से ही एक्वायर किया है, jeemains.nta.nic.in. जो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी प्रोवाइड किया, आप खुद भी जा सकते हैं वेबसाइट पर, वहाँ पर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं. मैंने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसको कम से कम टाइम पर आपके लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस ईयर तक क्या होता था, जेई मेन्स में तीन सब्जेक्ट्स होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. ओके, तो उसमें दो सेक्शन के क्वेश्चंस आते थे, एक होता था सेक्शन ए, दूसरा होता था सेक्शन बी. ओके, अब ये सेक्शन ए का मतलब क्या होता है, सेक्शन ए का मतलब ये होता है ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे. ओके, सो विथ ऑप्शंस आते थे सेक्शन ए. ओके, विथ ऑप्शंस होते थे, पहली बात. दूसरी बात, उसपे उसका मार्किंग स्कीम कैसे होता था, करेक्ट आंसर आया तो +4, रॉन्ग आंसर आया तो -1. ओके, तो हर एक क्वेश्चन के पास ऑप्शंस होते थे, चार ऑप्शंस होते थे जिसमें से आपको टिक करना होता था. ओके, देर वोंट बी एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन. जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे कंपल्सरी क्वेश्चन होते थे, अटेम्प्ट किया तो आपको मार्क्स मिलते थे. ओके, सो नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सेक्शन ए में होता था. सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथ्स पर भी. ओके, सो टोटल हमारे पास होता था 60 क्वेश्चन सेक्शन ए पर. सेक्शन बी में पिछले साल तक क्या होता था, टोटल 5 ही क्वेश्चंस होते थे तीनों सब्जेक्ट्स में, टोटल 15 क्वेश्चंस होते थे. देन इन ऑल हमारे पास टोटल क्वेश्चंस ओके कितने होते थे, 25 क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट्स में होते थे, कुल मिलाकर 75 क्वेश्चंस होते थे. ये मैं जो भी आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं, कितने क्वेश्चंस आपके सामने होते थे, ये लास्ट ईयर तक होता था. सेक्शन बी का खास बात ये था, सेक्शन बी सबसे पहली बात नो ऑप्शंस, मतलब जैसे बाकी इसमें होता था ऑप्शंस देते थे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता था. तो आप बोलते थे सर फिर आंसर कैसे आता था, क्या सिंपल आंसर होता था, क्योंकि कोई कोई ऑप्शंस में तो यार ऐसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स रहते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 1+3 ब्ला 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 ऐसा कुछ तो फॉर्मूला भी रहता था. यहां पर आंसर हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू होता था. ओके, न्यूमेरिक आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर होता था. ओके, एंड इस पे मार्किंग स्कीम जो होती थी +4 एंड -0 होता था. इसका मतलब रॉन्ग आंसर दिया तो पिछले वाले में -1 जाता, तो यहां पर कोई जाता नहीं था. एंड सबसे पहली बात नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये हुआ था लास्ट ईयर. ओके, अब इस साल सिर्फ एक ही छोटा सा चेंज है यहां पर क्वेश्चन पैटर्न में. सेक्शन बी में उन्होंने कितने दिए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है. तो 5:10 इसका मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. यहां पर टोटल 20 ही क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको 20 के 20 क्वेश्चन दे आर एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू अटेम्प्ट. ओवर हियर यू हैव 30 questions out of which you have to attempt only 15 questions. जब add करके देखेंगे, you have to attempt 75 questions out of 90 questions. ये आपको दिखाई देगा JEE के वेबसाइट में या फिर अलग अलग जगह पे आपको दिखाई देगा. इस बार options है, options है, options है, options का मतलब ये होता है. क्योंकि students के दिमाग में ये भी confusion था, सर जी normally wrong answer हुआ तो -1 होता है, तो option वाले question में अगर wrong हो गया तो -1 होगा क्या, नहीं होगा, because ये option सारे के सारे किधर है, section B में, जहां पर there is no negative marking. That means आप 10 के 10 questions करो जिसमें से अगर मान लीजिए आपके
चार रॉन्ग हो गए, छह करेक्ट हो गए, तो छह करेक्ट में से सिर्फ पांच ही आपको मैक्सिमम मिल सकता है, तो पांच करेक्ट आंसर्स के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, सिक्स करेक्ट आंसर इनवैलिड हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर अगर छह रॉन्ग हो गया और चार ही करेक्ट हो गए तो चार करेक्ट आंसर्स के मिल जाएंगे, बाकी के छह रॉन्ग हुए तो वैसे भी रॉन्ग आंसर्स का जीरो मार्क्स है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इन शॉर्ट दिस इज योर सिनेरियो। सो इस साल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, फाइव एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे इन सेक्शन बी। This is the pattern of the question. बाकी 75 questions हैं, इसका मतलब तो आप जानते हैं कि 25 questions में जो marks obtain होते हैं, total questions marks, इसमें आपको 25 multiplied by 4 total 100 marks आप obtain कर सकते हैं physics में, 100 marks chemistry में, 100 marks maths में, total आप यहाँ पर 300 marks obtain कर सकते हैं in your JE mains examination. This is all about your examination. ओके, आई बिलीव हो गया इतना। अब अगला सवाल स्टूडेंट्स का ये होता है, सर जी चार अटेम्प्ट के बारे में बोले हैं उन्होंने, अब ये चार अटेम्प्ट मतलब कैसे होता है? लास्ट ईयर तक तो दो अटेम्प्ट की बात कर रहे थे, यहां पर चार अटेम्प्ट है, तो चारों हम लोग दे सकते हैं क्या या एक ही दे सकते हैं? ये दूसरा सवाल होता है बच्चों को, उसका जवाब दे मैं आपको देता हूं। बच्चे लोग यस माय डियर चिल्ड्रन, चार अटेम्प्ट है, एक है फरवरी 23rd से 27 के बीच में, ओके 23rd से लेकर 27 के बीच में, एंड सो ऑन, फिर मार्च मिड के करीब एक है, मार्च 15 से लेकर 18 के बीच में है, एंड देन अप्रैल एंड के करीब है, और मार्च मिड पे है, अप्रैल एंड पर है, एंड मई एंड पर है। तो ऐसे चार एटम्स है आप लोगों के पास जो स्टार्ट होती है 23rd से लेकर, ओके तो ये चारों एटम्स आप दे सकते हैं क्या? यस, चारों एटम्स दे सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आपको कितना देना। फिर आप पूछोगे सर मुझे तो एक ही देना है, दे सकते हैं क्या? यस, आपको एक देना है दे सकते हैं, चार देना है दे सकते हैं, कुछ नहीं देना है मत दीजिए। सीधी सी बात है, कुछ नहीं देंगे तो आप लोग इंजीनियरिंग राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, लेकिन आप एटलीस्ट एक तो देंगे तो आपके पास स्कोर रहेगा, तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। चार देंगे तो क्या होगा? सी पहले वाला अटेम्प्ट दीजिए, उन्होंने ये भी एक प्रोविजन लाया है, पहले वाले अटेम्प्ट के बाद उसका रिजल्ट इमीडिएटली दूसरे अटेम्प्ट के पहले उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। दूसरा अटेम्प्ट दीजिए, मतलब ये फर्स्ट वाले का रिजल्ट है, दूसरा अटेम्प्ट दीजिए, थर्ड अटेम्प्ट के पहले सेकंड का रिजल्ट भी आ जाएगा। थर्ड अटेम्प्ट दीजिए, उसके थर्ड के पहले फोर्थ के पहले थर्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा, एंड सिमिलरली इधर फोर्थ का रिजल्ट भी आ जाएगा, एंड फोर्थ के रिजल्ट के साथ साथ ओवरऑल ऑल इंडिया रैंकिंग आएगा। तब तक आपको रैंकिंग नहीं पता चलेगा, तब तक आपको सिर्फ कुछ ना कुछ तो स्कोर्स मिलेगा। अब ओवरऑल रैंकिंग कैसे होगा? आपने जितने भी अटेम्प्ट दिए, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट या चार अटेम्प्ट, ये चारों अटेम्प्ट में से आपका जो बेस्ट स्कोर रहेगा, वो बेस्ट स्कोर आपका ही नहीं, हर एक बच्चे का बेस्ट स्कोर इकट्ठा करके एक पूरा रैंक लिस्ट बनेगा, उसके बेसिस पे बच्चों के ऑल इंडिया रैंक्स तैयार होंगे, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर रिजल्ट। एंड इसके बेसिस पे ये फाइनल मार्कशीट जो बनेगा, बेस्ट ऑफ फोर में से जो बनेगा, उसमें से टॉप 22,000 स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस लिखने का मौका मिलेगा, एंड उसके बाद आईआईटी का सिलेक्शंस की तरफ प्रोसीडिंग्स हो जाता है। सो दैट्स द की। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको जो जो जानकारी चाहिए वो जानकारी मैंने आपको बता दिया। आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बोलूंगा बच्चे लोग चारों अटेम्प्ट दे दो, क्योंकि मेनली उन्होंने ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किया, चार अटेम्प्ट्स यहां पर दिए हैं, उनका एक ही कंसर्न है कि स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार टेस्ट दो और पता कर लो कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है, देन उसके बाद दूसरा टेस्ट दो, खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करो, तीसरा दो, खुद को और इंप्रूव करो, चौथा दो, खुद को और इंप्रूव करो, घूम फिर के आप लोगों को ड्रॉप लिए बिना ही इसी साल में जेई क्रैक करने का मौका देने की कोशिश कर रहे हैं एनटीए। सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई विल डेफिनेटली से दैट गिव ऑल द अटेम्प्ट्स ऑल पॉसिबल फॉर यू गाइस। ओके, सो दिस इज जितिन सर, teaching for Zeta Institute of Science. Take care. Bye-bye.